मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोग के मैथमेटिक्स टीचर। मैं आप लोग को आज आप लोगों को कल क्या बताए थे, कल बोले थे ना कि कल आप लोगों को बताएंगे डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न मीन्स होता है भाग। देखिए, मैंने आप लोगों को एडिशन बताया और सब्ट्रैक्शन बताया। ठीक है, एडिशन बताया और सब्ट्रैक्शन बताया, अब एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन बताया। ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। देखिए, पहले मैं आप लोगों को फिर से एडिशन बताती हूँ। दोनों पहला देखिए, ये है एडिशन, 3, 6, 2, 5। ठीक, ये हो गया 1s, ये हो गया 10s। ठीक है, ये है आपका एडिशन। 6, 5 होता है 11। ठीक, और 11, 3, 5 and 6। ठीक है, ये है आपका एडिशन। दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन, 36 minus 28, 1s और 10s। ये क्या है आपका, है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, 6 में से 8 माइनस करेंगे, क्या होगा? 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो ये इसे कैलकुलेटर, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। अब यहाँ है 3 और 2, 3 ऑलरेडी इसको एक बार दे चुका है तो यहाँ बचेगा 2। 2 में से 2 माइनस हुआ 0। ठीक है, आरएस में ये है सब एडिशन, ये है सब्ट्रैक्शन। अब तीसरा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 33 into 5, ये हो गया 1s, ये हो गया 10s। ये 33 multiply by 5, तो इसको आप 5 से माइनस करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ, 5 3 जा 15 और 1 कैरी means 33 multiply by 5 is equal to 165। ये आपका हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आपको डिवीज़न बताना है। डिवीज़न होता है, देखिए, जैसे कि आपके पास मैंने बताया कि 5 बोट है, 5 बोट्स है और ईच बोट पर 3-3 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, या 3-3 बॉयज़ बैठे हैं, 5 बोट्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। तो ये आप उसमें आपको बताना है कि कितने टोटल कितने बैठे हैं, तब ये क्या करेंगे, 5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब तो आपका आ जाएगा ये 5 3 जा 15। तो मतलब बोर्ड पर 15 बच्चे बैठे हैं। अब आपको ये बताना है कि 5 बोर्ड्स हैं और उस पे जैसे 15 बच्चे हैं। ठीक, ओके, और 5 बोर्ड्स हैं, तो एक बोर्ड्स पे कितने बच्चे बैठेंगे। 15 बच्चे हैं और 5 बोर्ड्स हैं, तो क्या करेंगे, 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तब आ जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, या 15 5 जा 3। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 दिया है, डिवाइड 8 बैलून्स अमंग 4 चिल्ड्रेन, मतलब 8 बैलून है और 4 बच्चों को देना है, तो क्या करेंगे। देखिए, 8 बैलून है, ये हो गया आपका DIVISION, डिवीज़न आपका। अब देखिए, 8 बैलून है और 4 बच्चों को देना है, तो 4 2 8। ठीक, तो आप कितने बच्चों, 1 बैलून कितना देंगे, 2 बैलून देंगे, एक एक बच्चे को 2 2 बैलून देंगे आप। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए, अब आपके एक्सरसाइज 8.1, देखिए ये बैलून बना है, 1 2 3 and 4, फिर बना है 1 2 3 4। ठीक है,
पढ़ेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मींस आपका एक बैलून जो है एक एक बच्चे को दो दो बैलून दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 12 पेंसिल्स, डिवाइड 12 पेंसिल among three girls। क्या करेंगे अब इसको आप करेंगे 12 divided by 3। अब 3 से 12 में भाग देंगे, अब 3 का टेबल 12 में आपको पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। क्या का हो गया 3 4 जा 12 मींस ये हो गया आपका, ये दिया है ना ये उसमें हो गया। अब आपका है क्वेश्चन है डिवाइड 20 स्वीट्स अमंग 5 चिल्ड्रन। तो 20 डिवाइड बाय 5 ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.1 आप कंप्लीट करिए, फिर तब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। 5 क्वेश्चन इसमें है, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब आपको ये 2 क्वेश्चन और करना है ठीक है। अब आपका ये हो गया, कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाऊंगी और इसको पहले पूछूंगी ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, कल मैं एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाऊंगी और आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे ठीक है, है ना ठीक है। समझ में आया, जो नहीं समझ में आएगा आप ग्रुप पर मैसेज करेंगे। ओके बाय बाय, सी यू।